हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज का जो हमारा डाउट है वो एवरेज चैप्टर से रिलेटेड है। और इस डाउट का सॉल्यूशन करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहें। और गाइज, अगर आप RMS यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सेशन 2021 एंड 2022 के मॉडल टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम में पेपर आएगा उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे होंगे और उनको किस तरह से सॉल्व करना है, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर 999-6858-3233 पर कांटेक्ट करके हमारे साथ बैच में जुड़ सकते हैं। और अगर आप सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्ज़ाम की सेशन 2022 या 23 के लिए आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे नीचे दिए गए नंबर 999-6858-323 पर कांटेक्ट करके हमारे साथ बैच में जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय मॉडल टेस्ट पेपर का जो हमारे पास बैच है, जो आप सेशन 2021 के लिए है, इसमें सिर्फ आपको मॉडल टेस्ट पेपर करवाए जाएंगे और बताया जाएगा कि पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है। और ये जो बैच है हमारे पास, ये पूरी परफेक्ट कोचिंग के लिए है। पेपर के अकॉर्डिंग जो पेपर बनता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको कोचिंग दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे वन डे एग्ज़ाम जैसे HSSC CGL बैंक एग्ज़ाम के मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप हमारे नीचे दिए गए नंबर 999-6858-323 पर कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ बैच में जुड़ सकते हैं। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए गाइज, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं और जानते हैं कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरह से किया जाएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, इफ़ अ स्टूडेंट हैव 5 सब्जेक्ट्स एंड ही गेट्स रिस्पेक्टिवली 60, 87, 43, 65 एंड 50 मार्क्स। मतलब एक स्टूडेंट के पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और उसने जो मार्क्स स्कोर करे हैं हर सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में 60, दूसरे में 87, तीसरे में 43, चौथे सब्जेक्ट में 65 एंड पांचवे सब्जेक्ट में कितने 50 मार्क्स उसने स्कोर करे, देन फाइंड द एवरेज। हमें क्या निकालनी है, इसकी एवरेज निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, मैं आपको दोनों मेथड करवा देता हूँ। तो फर्स्ट मेथड जो आपने शायद ना कभी सुना होगा, जिसका नाम है JSM मेथड, यानी कि जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड। इसमें क्या होता है कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट लिखे हैं, तो हमने 5 लिखा और इस तरह से 5 हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया। हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं तो पहले सब्जेक्ट में कितने स्कोर करे उसने 60, दूसरे सब्जेक्ट में 87 स्कोर करा, तीसरे में 43 स्कोर करा, चौथे सब्जेक्ट में 65 स्कोर करा और फिफ्थ सब्जेक्ट में कितना स्कोर करा, 50 स्कोर करा। तो जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड में क्या होता है, हमें मिनिमम देखना होता है, यानी कि जूनियर देखना हो कि सबसे जूनियर नंबर कौन सा है। तो सबसे जूनियर नंबर कौन सा है, 43। यानी कि एवरेज जो मार्क्स होंगे, जो हमारे एवरेज मार्क्स होंगे वो 43 तो होंगे ही होंगे या 43 से ज़्यादा होगा, कम से कम 43 तो एवरेज होगी ही होगी जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, कम से कम 43 तो एवरेज होगी ही होगी। अब हम देख लेते हैं कि हर सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा कितने मार्क्स बन रहे हैं एवरेज से। तो 60 में से हम क्या करेंगे, 43 जो हमने ये नंबर लिया है इसको माइनस कर देंगे। तो 63 में से 43 माइनस करेंगे तो 17 आएगा। दूसरे सब्जेक्ट में से 43 को माइनस करेंगे तो 44 आएगा। ये हम ले चुके हैं, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम 43 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा 22। और 50 में से 43 को माइनस करेंगे तो आएगा 7। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा मार्क्स हैं जो हर सब्जेक्ट में है, 43 से एक्स्ट्रा मार्क्स जो हैं। अब हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे इन सबका, यानी कि टोटल एक्स्ट्रा कितने हैं, टोटल एक्स्ट्रा यानी कि 17 + 44 + 22 + 7, इनको हम ऐड कर लेंगे। तो 7 + 2 कितना होता है 9, 9 + 4 कितना होता है 13, 13 + 7 कितना होता है 20, 20 का हमने 0 लिया, देन 2 कैरी चला जाएगा, 2 + 1 कितना हुआ 3, 3 + 4 कितना हुआ 7, 7 + 2 कितना हुआ 9। तो 9 आ गया हमारे पास टोटल, जो हमारे पास एक्स्ट्रा हमारे पास जो नंबर बन रहे हैं। अब जो हमारे पास टोटल एक्स्ट्रा नंबर बन रहे हैं वो क्या होगा, हर सब्जेक्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, हर सब्जेक्ट में क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो हर सब्जेक्ट में नंबर कितने हैं, मतलब कि हर सब्जेक्ट कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, तो इक्वली जो डिवाइड होगा वो कितना होगा, 90 डिवाइडेड बाय 90, तो कितने सब्जेक्ट हैं 5, तो ये 90 डिवाइडेड बाय 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 19 आ जाएगा, 19 नहीं सॉरी, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा में हमारे पास मिले, यानी कि एक सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा कितने मिले, 18। तो हम क्या करेंगे, 18 इसमें 43 में ऐड कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 18। हम क्या करेंगे, 43 में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 61, 61 इसका सही आंसर आ जाएगा। ये JSM मेथड है और ये बड़े से बड़े क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर देता है विदाउट कैलकुलेशन, ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी पड़ती। तो इस हमारा आंसर आया 61। ठीक है,
नाउ अब हम जो हमारा बेसिक मेथड है, जो हमारे पास एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स, यही हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि जो हमारे पास टर्म दे रखी है, 60 + 87 + 43 + 65 एंड + 50, ये हमारे पास सम हो गया सभी टर्म्स का, डिवाइड में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5, नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, 5। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारे पास, 301 बनेगा, 305 बनेगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 5। तो 305 इन सबको ऐड करोगे तो 305 बनेगा, जब कटिंग करेंगे तो 5 6 30 एंड 5 1 5, यानी कि यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 61 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था जेएसएम मेथड और ये था बेसिक मेथड। ध्यान रखना बेसिक में जो जेएसएम मेथड है ये बड़े से बड़े क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर देता है, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और गाइज हमारे साथ सेशन में जुड़िए, मॉडल सेशन 2021-22 के लिए, आरएमएस के लिए मॉडल टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस कीजिए और जानिए कि किस तरह के क्वेश्चन आने हैं, उनको किस तरह से सॉल्व करना है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले डाउट में। थैंक यू वेरी मच।